सोनिया गांधी ने राजनाथ सिंह की निकाल दी हेकड़ी, भाजपा में मचा हाहाकार। नेशनल हेराल्ड मामले में अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर विरोध प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने फिर घेरा है। बीजेपी ने 2012 के एक वाक्या का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक जमीन अधिग्रहण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधने के कारण प्रिविलेज कमेटी ने उन्हें समन जारी कर दिया था। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी देश की सबसे पुरानी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई थी और उन्हें प्रिविलेज पैनल के सामने उपस्थित होने के लिए 10 बार समन भेजा था। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तो इसे सीधे कांग्रेस के इशारे पर षड्यंत्र बताया। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर कहा, सोनिया गांधी जी, आपकी पार्टी ने केवल आपके परिवार के ट्रस्ट के बारे में 2012 में बोलने के कारण उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष और आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद की प्रिविलेज कमेटी में बुलाने का 10 बार नोटिस दिया। यही कांग्रेस का लोकतंत्र है तथा संसद का दुरुपयोग का इतिहास। दुबे के इस ट्वीट पर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी समर्थन किया और लिखा, मुझे याद है बीजेपी से उस वक्त मैं भी अनंत कुमार जी, गोपीनाथ मुंडे जी व अन्य के साथ संसद की कमेटी का सदस्य था। पीसी चाको अध्यक्ष थे। तब तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के एक बयान पर उनके खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर षड्यंत्र हुआ और हम लोगों ने पूरे संघर्ष से इसे विफल किया था। दरअसल राजनाथ सिंह ने हरियाणा के गुड़गांव में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए कथित तौर पर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी ट्रस्ट ने गुड़गांव के उल्हावास गांव के किसानों का जबरदस्ती दस्तखत लेकर जमीन अधिग्रहण किया है। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी।